हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ईआर अलगुप्ता डीएनए क्लासेस में। और बच्चों, मूल कॉन्सेप्ट के सवाल कर रहे हैं हम लोग, है ना। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है इसका, है ना। जनरली ये सेकंड वीडियो होगा, ठीक है। तो अगर आप पहले वो लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले आप उसको अटेंड कर लीजिए, है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल डाले गए हैं वहाँ पर, नीट के, जेई के, है ना। आप पहले वो सवाल देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये नेक्स्ट लेक्चर पे आइएगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। जनरली अगर आप मूल कॉन्सेप्ट का सारा थ्योरी कवर कर चुके हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं जनरली उन्हीं सवालों को यहाँ पे लूँगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है ना। और अगर आप पहले नहीं किए हो थ्योरी कंप्लीट, तो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ, है ना, कि ये थ्योरी कहाँ से आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ राहुल गुप्ता, आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल ईआर राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आज का जो पहला सवाल है अपना, स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, है ना। स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। आज का जो पहला सवाल दिया गया है वो सवाल क्या है, है ना। सवाल अगर आप ध्यान से देखो तो ये है बच्चों कि एट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर, है ना, इन ग्राम प्रति लीटर विल बी नियरेस्ट टू। बच्चों एसटीपी कंडीशन की बात कर रहा है। अगर हम एसटीपी कंडीशन की बात करें तो एसटीपी कंडीशन पर अगर हमारे पास कोई एक मोल कोई भी गैस हो, जैसे यहां पे CCl4 लिया गया है, तो उसका वॉल्यूम तो कंफर्म हो गया कि वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। कोई भी एक मोल गैस अगर आपके पास है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी कंडीशन पे, 22.4 लीटर, ठीक है। और अगर हम मोलर मास देखें इसका CCl4 का, एक मोल का जो मास होता है उसी को तो मोलर मास कहते हैं, है ना। एक मोल का मतलब कितना होता है, 6 × 10⁻²³ CCl4 के जो पार्टिकल्स हैं, या फिर बोले तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास की हम बात कर रहे हैं, उनके मास की बात कर रहे हैं। तो कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो उसको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 प्लस, है ना, 4 × 20 और 4 × 20 2 = 22, 4 × 23 12 और 2 = 14, तो 142 और 10 = 52 आ रहा है बच्चों, 154 आ रहा है, है ना। तो अगर हम यहाँ पर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, है ना। तो मास कितना रख दें अपना, तो मास अपना हो जाएगा 154 ग्राम और वॉल्यूम कितना है अपना 22.4 लीटर। इसको मिलीलीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा, ये लीटर में है ना, तो हो जाएगा 154 / 22.4 और 1000 से आप इसको गुना कर दीजिए, तो 1000 से गुना करने के बाद ये आ जाएगा 224 ना, तो 154 / 22400, है ना, 10 इसके दशमलव के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप काट सकते हैं इतना ग्राम प्रति ml लगभग ये आ रहा है, ठीक है। और अगर हम ग्राम प्रति लीटर में ही पूछा है तो ग्राम प्रति लीटर में, तो फिर इसको तो हटा दो ना, फिर इसको तो कोई मतलब ही नहीं करने का। ऑप्शन जो दिया हुआ है ग्राम प्रति लीटर में ही हमसे पूछ रहा है, तो 154 / 22.4, तो यहाँ से आ रहा है 1540 / 224, यहां से आप काटिए तो आपको आंसर मिल जाएगा आराम से, है ना। लगभग ये आपको मिल रहा है ना 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, लेकिन ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो 6 point something कुछ बनेगा इसका आंसर, 6.87 लगभग काटोगे तो 6.87 आपको इसका करीबी मान मिल रहा होगा, 6.87, है ना। और ये किसमें आ रहा है, ग्राम प्रति लीटर में आंसर आ रहा है, किसमें, ग्राम प्रति, है ना, ग्राम प्रति लीटर में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल क्या है अपना, अगले सवाल पे फोकस करिए, स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, है ना। सवाल पढ़िए आप एक बार। तो बच्चों सवाल है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 केजी ऑफ इथिलीन। इथिलीन क्या होता है पता है आपको, C2H4 को इथिलीन कहते हैं, C2H4 का नाम आपका होता है इथिलीन, है ना, ध्यान रखिएगा आज के बाद। तो इथिलीन एक इथाइलीन होता है, एक इथिलीन, तो इथिलीन आपके यहाँ पे इथिलीन क्या है, C2H4 है, सॉरी C2H4 इथिलीन को कह रहे हैं, इसका कंप्लीट कंबसन करवा रहे हैं। जो कार्बन जब भी जलता है तो CO2 बनता है और हाइड्रोजन जलता है तो H2O बनता है, ये बात आपको पता होगा, है कि नहीं। तो अगर हम बात करें तो कार्बन को पहले बैलेंस कर लीजिए, कार्बन 2 ठो यहाँ 2 लगा देंगे और हाइड्रोजन पहले 4 ठो है यहाँ पे, तो 2 यहाँ लगा देते हैं, 2 × 4। ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 × 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, चलिए बैलेंस हो गया पूरा सब। चलिए तो हम क्या मोल एनालिसिस लगाएंगे, मोल एनालिसिस पता है, मोल ऑफ रिएक्टेंट बटा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट बटा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के, बिल्कुल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोल 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 एनालिसिस हम प्रत्येक के लिए लगा सकते हैं, है ना।
तो बच्चों आपको कुछ करना नहीं है, कंप्लीट कंबशन का 2.8 केजी लिया गया है इसको। इसको कितना लिया गया है? 2.8 केजी। 2.8 केजी का मतलब समझ में आ रहा है? 28 पर 3 जीरो बैठेगा, 2.8 पे 3 जीरो बैठेगा, और 3 जीरो बैठेगा ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो फिर ये हजार से, मतलब हजार से जब गुना करोगे आप तो 2800 ग्राम आएगा। 2800 ग्राम, 2.8 को हजार से गुना करोगे तो 2800 ग्राम आएगा, बिल्कुल। तो 2800 ग्राम है ना, क्योंकि एक दशमलव तो खत्म हो जाएगा ना, तो 2800 ग्राम दिया गया है। और अगर आप इसका मोलर मास देखिए तो हम पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल कितना हो जाएगा? 2800 बटा कितना हो जाएगा मोल बच्चों? तो कार्बन है 12 दुनी 24, 24 और 4 28, बिल्कुल 28 ही आ रहा है। देखो इसका मोलर मास 28 ही आ रहा है, तो ये आ जा रहा है 100 मोल। कितना? 100 मोल। तो मोल एनालिसिस हम लगाएंगे, कंप्लीट कंबशन करवाना है ना, और ऑक्सीजन का चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए। तो बच्चों ऑक्सीजन का क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बड़ा आसान सा बात है, ये जो आया वो 100 मोल आया है ना, 100 मोल आया। अब मोल एनालिसिस लगाते हैं, तो मोल एनालिसिस ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H4 बटा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बच्चों इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 के बटा उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बच्चों 3 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H4 कितना आया है अपना? 100 आया है, तो 100 बटा 1 हो जाएगा ये। और ये बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बटा 3 है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना बन रहा है आपका? 300 बन रहा है, 300 मोल बन रहा है। तो अगर हम मोल, अगर हमको पता है, अगर हम मास निकालना चाहें तो मोलर मास से हमको, मोलर मास से हमको गुना कर देना होगा। तो मोलर मास से अगर हम गुना कर देंगे, है ना, मोलर मास से हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा अपना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास बटा मोलर मास। तो मास बटा मोलर मास आ गया 300। तो बच्चों अगर मास की हम बात करें तो मास हो जाएगा 300 गुना, और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 होता है। तो 32 से गुना कर देंगे हम, तो 32 दिया कितना हो जाएगा? 96, और इस पर कितना जीरो? 2 जीरो। इतना ग्राम आया हमारा ये। अगर हम केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो हजार से भागा तो लगभग 9.6 केजी आएगा ये, है ना। अगर हम केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो 9600 बटा हजार हो जाएगा बच्चों, ये 0000 कट रहा है, तो लगभग ये 9.6 केजी आंसर बन रहा है अपना। तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा? 9.6 केजी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो ये मोल मोल एनालिसिस के सवाल है, कि जब भी आपको रिएक्शन बेस्ड सवाल दे, रिएक्शन वाले सवाल है, तो एक बात समझिए कि अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं तो आप मोल मोल एनालिसिस से सवाल के बारे में हर चीज बता सकते हैं, उसका मास क्या होगा, उसके मोल क्या होंगे, उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा, हर चीज। तो मोल मोल एनालिसिस में फॉर्मूला कुछ नहीं रखना होता है, बस जिन दोनों का लगाना है उसके मोल को पकड़िए और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भागा दीजिए, फिर बराबर कर दीजिए, दूसरे का मोल पकड़िए बटा उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए और भी बहुत सारे सवाल हैं मोल मोल एनालिसिस के, आपको आगे मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर फोकस करें, अगला सवाल पर फोकस करो बच्चे। क्या अगला सवाल? अगला सवाल हम ध्यान से देखिए, तो अगला सवाल है हमारा, द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा है, और कितना लिया है? 4.25 ग्राम लिया है अमोनिया। अमोनिया बच्चों, अमोनिया का मोलर मास कितना हो जाएगा? अगर हम मोलर मास निकाल के देखें तो मोलर मास हो जाएगा 14 और 3 17 ग्राम प्रति मोल। कितना हो जाएगा? 17 ग्राम हो जाएगा। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल की पहले बात कर ले, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मास बाय मोलर मास, मतलब 4.25 बटा 17, ठीक है। दशमलव यहां से अगर आप हटाते हो तो यहां से आ जाएगा 4.25 बटा 1700 आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल, लेकिन ये नंबर, अब मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? तो 4.25 मोल है, मतलब इतना मोल है, उसमें गुना कर देते हैं 6 × 10^23 से, तो 6 × 10^23 से गुना कर देंगे, देखिए आ गया बच्चों, ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन नंबर ऑफ एटम की बात किया है, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम मतलब अगर आप देखो अमोनिया का एटोमिसिटी, तो एक एटम में चार है, चार एटम है, मतलब एक मॉलिक्यूल में चार एटम है, एक तो नाइट्रोजन, 3 तो हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो एटोमिसिटी से गुना हो जाएगा। एटोमिसिटी किस में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तो 4.25 बटा 1700 गुना 6 × 10^23, और उसमें गुना कर दीजिए एटोमिसिटी से, एटोमिसिटी कितना है बच्चों? 4। बस यहां से काटिए आप, ऐसे आप इसका 00 जब काटते हैं इसके साथ, तो ये 10^21 हो जाता है, 17 × 34 34, तो वो कट रहा है पूरा ये, 17 × 34, और यहां बचेगा बच्चों 8, और 17 × 5 = 85, तो 25 हो रहा है ये, 25 × 100, तो 100 × 10^21, तो इसका मतलब कितना हो गया? फिर से 10^23 हो रहा है ये, कितना आ रहा है? 25 × 100, तो
और गुना छह छूट रहा था, सॉरी गुना छह भी छूट रहा था, तो छह गुना दस का पावर 23 तो बन रहा है लगभग। कितना आइटम बन रहा है? एक मोल बन रहा है आइटम, छह गुना दस का पावर 23 बन रहा है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। चलिए तो ये सवाल था अपना, अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल फोकस करते हैं उस पर। क्या है सवाल अपना, देखो ध्यान दो। अगले सवाल में बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए बी सी आर प्लस टू प्लस फाइव एंड माइनस टू। देखो एक ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज दिया हुआ है, ए का बी का सी का, तो ए बी सी का प्लस टू प्लस फाइव माइनस टू, प्लस टू माइनस फाइव प्लस टू, है ना, माइनस टू सॉरी माइनस टू, ये नीचे वाले का माइनस टू है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, है ना। तो प्लस टू प्लस टू प्लस फाइव, प्लस टू प्लस फाइव और माइनस टू है, सॉरी प्लस टू प्लस फाइव माइनस टू है ए बी सी का, ठीक है। और बोल रहा है कि पॉसिबल फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो बच्चों इसमें चार ऑप्शन बनाए गए हैं, आप क्या करो ना, आप क्या करो चार ऑप्शन ही चेक कर लो। जैसे पहला ऑप्शन बनाया गया है ए ऑप्शन, वो बनाया गया है ए टू बी सी टू का होल टू, और बी ऑप्शन क्या बनाया गया है, बी ऑप्शन बनाया गया है ए थ्री बी सी फोर, बी सी फोर का होल टू, और सी ऑप्शन क्या बनाया गया है, सी ऑप्शन। पहले मैं ए भी चेक कर लेता हूं। देखो क्या इस मॉलिक्यूल पर टोटल कोई चार्ज लिखा हुआ है, नहीं तो टोटल चार्ज तो शून्य आना चाहिए, यहां भी टोटल चार्ज शून्य आना चाहिए, तो मान बैठाते जाइए आप। तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, प्लस टू है, तो लिखेंगे टू गुना टू प्लस बी, दो ठो हुआ, बी कितना ठो हुआ, दो ठो हुआ, तो लिखेंगे दो गुना, और बी पे चार्ज कितना है पांच प्लस, है ना, प्लस सी चार ठो हुआ, तो लिखेंगे चार गुना, और सी पर चार्ज कितना है माइनस टू। टोटल देख जोड़ के देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि टोटल जीरो आना चाहिए, टोटल कितना आना चाहिए जीरो, क्योंकि इस पर कोई पहले से आवेश नहीं था। तो कितना हो जाएगा चार और प्लस दस और हो जाएगा माइनस आठ। तो बच्चों आठ चार बारह नहीं, दस चार चौदह में से आठ गया, ये तो छह आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आ जा रहा है आपका प्लस सिक्स, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, टोटल जीरो आना चाहिए। प्लस सिक्स का मतलब यहाँ पे प्लस सिक्स चार्ज होगा तभी सही होता, प्लस सिक्स तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो कुछ दिया ही नहीं, जबकि हमारे पास चार्ज बच जा रहा है, चार्ज तो पूरा खत्म होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसे ही मान रख दो। तो ए पे आपका चार्ज कितना है, एक आपका प्लस टू है, तो लिखेंगे तीन गुना टू, है ना, प्लस बी दो ठो है बच्चों आपको, तो दो गुना कितना लिखेंगे पांच, और सी देखेंगे तो आठ है, चार दुनिया आठ है सी, तो लिखेंगे आठ गुना माइनस टू, आठ गुना माइनस टू, तो टोटल आप कैलकुलेट करके देखो, तो छह प्लस पांच दुनी दस और आठ दुनी सोलह, तो बच्चों यहाँ कितना बता, दस और छह सोलह, बिल्कुल सोलह माइनस सोलह बराबर जीरो, तो बी ऑप्शन ही आपका बन रहा है। वैसे ही आप सी ऑप्शन रख के देखिएगा, डी ऑप्शन रख के देखिएगा, तो वहां जीरो नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अगर बी नहीं आता तो मैं सी भी चेक करता, डी भी चेक करता, बी लेकिन जीरो आ जा रहा है। देखो जैसे ही जीरो आया मतलब इस मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज जीरो है, और बिल्कुल उसके अनुसार यहाँ फॉलो भी हो रहा है, जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है वो एकदम कंडीशन फॉलो कर रहा है। चलिए तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन देख के ही ऐसे सवाल हो जाते हैं, ठीक। चलिए अगले सवाल पे फोकस कीजिए, अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, अगला सवाल जो आपका है, अगला सवाल जो आपका है वो ध्यान दीजिए, है ना। व्हेन 22.4 लीटर H2 इज मिक्स विद द 11.2 लीटर Cl2 एट STP कंडीशन। बोल रहा है कि हम H2 लिए गैस और Cl2 लिए गैस और HCl बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बैलेंस करोगे तो दो मोल HCl बनेगा, है ना। और STP कंडीशन पे इसको लिया है 22.4 लीटर, और इसको कितना लिया है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। तो बच्चों अगर हम बोले STP कंडीशन पे लिया गया है, तो STP कंडीशन पे मोल निकालना बड़ा आसान होता है, अगर आपको वॉल्यूम पता हो तो आप 22.4 से भागा दे दीजिए, आपका मोल निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये वॉल्यूम दिया हुआ था अपना, अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल लूँ तो 22.4 बाई 22.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11.2 बाई 22.4 हो जाएगा। तो ये बच्चों नंबर ऑफ मोल तो वन आ रहा है, ये नंबर ऑफ मोल आधा आ रहा है, आधा आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो अगर हम बात करें कि सवाल में बोल क्या रहा है, ये मोल्स ऑफ HCl फॉर्म, HCl कितना मोल बनेगा, तो आप पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पहले तो दोनों के मोल हमको पता है ना, अब दोनों के मोल पता है तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कम मात्रा में कौन है। क्योंकि देखो मान लो हम दो चीजों को मिला रहे हैं, एक रिएक्टेंट हमारे पास A है, एक रिएक्टेंट हमारे पास B है, तो दोनों जब तक रहेंगे तब तक ना AB बनेगा, तब ना AB बनेगा, है ना। तो अगर मान लो आप ऐसे समझ लीजिए कि H2 खत्म हो गया, तो क्या HCl बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर Cl2 ही खत्म हो गया तो भी HCl नहीं बन पाएगा, तो दोनों का रहना आवश्यक है। तो HCl कब तक बनेगा, जब तक कम वाला जितना अवेलेबल है, क्योंकि कम वाला जैसे ही खत्म हो जाएगा, जो ज्यादा बचा हुआ भी है वो कोई काम का नहीं है, अब तो रिएक्शन आगे होगा नहीं। तो जनरली हमको ये पहले पता करना होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कम वाला कौन है, और लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का फॉर्मूला ये होता है बच्चों,
लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं? तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का तरीका यह होता है कि नंबर ऑफ मोल बटा स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन देखिए, जिसका नंबर ऑफ मोल बटा स्टोइकोमेट्रिक कम आएगा वही होगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका नंबर ऑफ मोल बटा स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन कम आएगा वही होगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल बटा स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो एक बटा स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन एक है, यहां पर एक बटा दो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन एक है। देखा जाए तो यहां पे एक बटा दो ये कम हो गया, ये कम हो गया, मतलब ये आपका हो गया LR, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोल मोल एनालिसिस हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार लगाएंगे, तो बस बात खत्म हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 बटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl बटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बस नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 कितना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 देखो हाफ था तो हाफ लिख देंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकालना है अपने को, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 2 से 2 कट गया, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल HCl कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा, आंसर आपका 1 मोल आएगा, है ना। कितना आंसर आपको दिखेगा बच्चों? 1 मोल ऑफ HCl, कितना मोल? 1 मोल ऑफ HCl गैस। तो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है। चलिए अगले सवाल पे फोकस करें, है ना। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद द 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन अ क्लोज्ड वेसल, व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। बोल रहा है कि कौन बचा रह जाएगा और कितना बचा रह जाएगा ये बताइए, और रिएक्शन क्या हो रहा है एकदम एकदम। देखो ये भी रिएक्शन का सवाल है, अगला वाला भी मोल मोल एनालिसिस ही काम आएगा आपका, मोल मोल एनालिसिस ही काम आएगा। बोल रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे हैं, मैग्नीशियम का मास कितना लिया है बच्चों? यहां पर जो मास लिया गया है वो 1 ग्राम मास लिया गया है, और किसके साथ जला रहे हैं? O2 के साथ। क्या बना होगा? MgO। बैलेंस कर लीजिए पहले, तो यहां हाफ लगा देते हैं, हाफ दो दो कटेगा तो जनरली MgO बैलेंस हो गया अपना, कोई बात नहीं। ये 1 ग्राम और ये कितना लिया गया है? 0.56 ग्राम, ठीक। ये 1 ग्राम और O2 कितना? 0.56 ग्राम। बच्चों अगर हम नंबर ऑफ मोल की बात करें तो हो जाएगा 1/24, और ये कितना हो जाएगा? 0.56/32, मोलर मास से भागा दे दिया हम दोनों का, तो 0.56/32। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो ये वाला कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 56/32 पर कितना? 0.00, ठीक है ना। तो यह ज्यादा से भागा दे रहा है और अमाउंट कम कम है, साफ साफ यहाँ पास चल रहा है, साफ साफ यहाँ पास चल रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो ना यहाँ 24 से ही भागा दे रहा है, 1 को भागा दे रहा है, और यहाँ 32 से भागा दे रहा है 0.56 को, साफ साफ पास चल रहा है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है अपना, ये लिमिटिंग रिएजेंट है अपना, साफ साफ पास चल रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे अगर 3200 लिख भी देते हो ना तो बड़ी आसानी से पास चल जाएगा आपको, कैसे? जनरली ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, साफ साफ पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा अमाउंट 32 से भागा दे रहे हो कम अमाउंट को 0.56 को, और यहाँ पे आप 24 से भागा दे रहे हो 1 को, एक और बड़ा अमाउंट है, तो जनरली ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा आपका, कंफर्म बनेगा, और ये बनेगा आपका एक्सेस रिएजेंट। तो वही पूछ रहा था कि बताइए कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा इतना बटा स्टोइकोमेट्रिक, ये तो नंबर ऑफ मोल निकला ना, सॉरी ये तो नंबर ऑफ मोल निकला आपका, ये तो नंबर ऑफ मोल निकल के आया। तो पहले तो हमको ये चेक करना होगा कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। तो कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल बटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अब ना चेक करोगे तो 1/24 और पूरे का बटा 1, ये तो उतना ही रह गया, और ये हो जाएगा 0.56/32 और पूरे का बटा 2, तो पूरे का बटा 2 मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 0.56 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? 0.56 × 2 बटा कितना हो जाएगा? 32। तो ये वाला तो आ रहा है बच्चों आपका 1/24, और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका, ध्यान दो, ये आ रहा है आपको, काट दो आप, 2 से 2 16 बार में कटेगा, कितना बार में? 16 बार में, और 4 से कटेगा, 4 × 16 4 से 0.2 4 × 1 है ना, और 4 × 16 फिर 2 × 4 और 0.07 14, ठीक है ना, 14, और फिर यहां से आ जाएगा 0.035। तो ये आ रहा है 0.035, और ये वाला जब काटिएगा तो 24/5 120 होता है, 24/5 120 होता है, तो जनरली 0.0 24/96 होगा, 0.04 बनता हुआ नजर आएगा। देखो ना 24 से भागा दोगे आप 1 को तो पहले तो नहीं जाएगा, तो पहले दशमलव आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, तो 24/96 तो 0.04 बन रहा है ये। तो बच्चों देखा जाए तो ये वाला 0.035 ये सबसे कम हुआ, ये कम हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेस रिएजेंट आपका कौन है? एक्सेस रिएजेंट आपका है, ये आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, साफ साफ पास चल रहा है, और ये आपका हो गया अपना एक्सेस रिएजेंट। तो पूछ रहा है कि एक्सेस रिएजेंट कौन है, तो पहली बात तो एक्सेस रिएजेंट आपका मैग्नीशियम है, कौन है? मैग्नीशियम है, ठीक है।
और मैग्नीशियम कितना ग्राम बचा रह जाएगा, हाउ रिएक्टेंट इज लेफ्ट। तो पहले तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अनुसार मोल मोल एनालिसिस लगाइए। एक्सेस रिएजेंट कौन है बच्चों, मैग्नीशियम, ये तो पता चल गया। अब पहले मैं क्या करता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट है ना, पहले मैं यहां पर नंबर ऑफ मोल निकाला था मैं, एन बटा कितना हो जाएगा 24 और यहां पे हो जाएगा 0.56/32। तो पहले मैं क्या करता हूं कि मोल मोल एनालिसिस लगाता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 क्योंकि मैं लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार लगता है बटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम बटा ये कौन वाला मैग्नीशियम निकाल रहे हैं हम लोग, हम वो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम निकाल रहे हैं जो कंज्यूम हो गया, जो खर्च हो गया, जो खर्च हो गया ना वो हम यहां से निकालेंगे अभी, है ना, ठीक है। चलिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम बटा कितना हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना है बच्चों, 0.56/32 और बटा 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा बाद में, चलिए कोई बात नहीं। नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम और बटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू कितना आ जा रहा है ये 0.056 है ना बटा 32 और गुना आ जाएगा 2/1। तो ये वैल्यू हमने सॉल्व किया था अभी पूरा, 0.0035 आ रहा था लगभग ये, है ना 0.0035 आ रहा, 2 से कटेगा 16 बार में, फिर 4 से कटेगा 4 × 16, फिर 4 से कटा था ये 0.14 बार में, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 से कटा था 0.07 बार में, तो ये 2 से कटा था 0.035 इतना मोल। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम आ गया अपना, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया 0.035। ये कौन है, ये कंज्यूम्ड वाला है, ये कौन है कंज्यूम्ड वाला है, कंज्यूम्ड वाला है। तो बचा कितना रह जाएगा, सेव्ड बचा रह जाएगा आपका जितना पहले था, पहले कितना था 1/24 और 1/24 में से खर्च कितना हो गया, तो खर्च हो गया आपका, मैं ऐसे ही कर लूं, देख लो मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं, तो आपका हो जाएगा 35/1000, ये वाला खर्च हो गया है 0.035, ये खर्च हो गया है। तो एक को आप 24 से अगर भागा दीजिएगा, 24 से भागा दो ना एक को, पता चल जाएगा, तो 0.0 आ जाएगा, फिर जीरो 24 × 96 4 बचेगा 40, 24 से कम 24 है ना, 24 तो 16 बच रहा है ये 160 है ना, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 7 × 8 = 28 और 7 × 2 = 14 और 1 = 15 158, फिर 2 जीरो बचेगा, तो लगभग 0.0417 में से 0.035 घटाना है अपने को, है ना। तो लगभग जो वैल्यू आ रहा है 0.0417 में से घटाना कितना है 0.035, तो देखो 17 को लगभग 2 मान लेते हैं, यहाँ पे लगभग 2 मान लेते हैं ना, ठीक। तो 12 में से 5 गया लगभग 7 और 3 में से 3 गया 0, तो लगभग ये 0.07 ग्राम, लगभग 0.0 ऐसा कुछ ऑप्शन है, 0.0 मैग्नीशियम 0.07 ग्राम ना, नहीं बच्चों ये तो है ना, इसका जो सॉल्व करने पे कहीं मैं लगता है हल्का सा, मतलब मेथड बिल्कुल यही होगा, लगता है कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा है ना, बल्कि पूरा मेथड यही है, इसको ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए मतलब मैग्नीशियम बिल्कुल है, मैग्नीशियम ही आपका है, 0.16 ग्राम आना चाहिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा है ना, कमेंट में हमको बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बस आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा सारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है ना, और उसके अनुसार आप सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर बनेगा कितना 0.016 ग्राम बनना चाहिए आंसर है ना, आप सॉल्व करके देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए हम अगले सवाल पे फोकस करते हैं, अगला सवाल क्या, ध्यान दो, अगला सवाल क्या ध्यान दीजिए, अगला सवाल अगर हम ध्यान दें तो अगला सवाल कह रहा है अपना कि 6.02 गुना 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। 6.02 गुना 10^20 मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स है, तो अगर आप इसको भागा दे दो कितना 6.02 गुना 10^23 से, तो मोल बन जाएगा,
देखो पहले मोल बन गया ये, और फिर यूरिया के मोलर मास से गुना कर दो तो मास बन जाएगा। तो पहले हमने मास निकाल लिया। देखो बड़ा आसान होता है, जब भी आपको मॉलिक्यूल्स दिया है तो मॉलिक्यूल से पहले भागा दीजिए आप, भागा दीजिएगा तो मोल बन जाएगा, और फिर उसको आप गुना कर दोगे मोलर मास से, मोलर मास 60 है तो आपका क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। तो पहले बच्चों ये और ये कट रहा है, ये कटेगा 10^3 बार में, है ना। तो ये अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, ये 10 इसके साथ कटेगा तो ये 10^2 हो जाएगा। तो ये बेटा 6/100 3/50 बन रहा है ये। तो मास कितना रहा है, 3/50 ग्राम मास आ रहा है, 3/50 ग्राम। वैसे हमको मास की जरूरत नहीं थी, हमको तो कंसंट्रेशन निकालना है ना, तो कंसंट्रेशन निकालना है तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है, तो केवल नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 नंबर ऑफ मोल निकालना है ना, तो कुछ मत करना है, बस देखो इतना दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है 6.02 × 10^20, इसको भागा दे देते हैं हम तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा किससे, 6.02 × 10^23 से। तो ये कटेगा और यहां से ये कटेगा तो लगभग 1/10^3 आ रहा है। वो जो नंबर ऑफ मोल में 1/10^3 रखेंगे, 10^3 रखेंगे, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रखना है, 100 बटा 1000 रखना है। मतलब क्यों 1000 रख रहे हैं, क्योंकि हमको लीटर में चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से भागा देना होगा क्योंकि ये मिल लीटर में है। तो ये 1000 और ये 1000 तो कट गया, तो 1/100 आ रहा है अपना, 1/100 का मतलब 0.01 मोलर आंसर, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर डी ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा डी ऑप्शन है ना। चलिए अगले सवाल पे हम लोग, अगले सवाल पे हैं, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, कौन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखता है ये पूछ रहा है हमसे, है ना, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन रखता है बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है 44 ग्राम CO2 और 48 ग्राम O3, 44 ग्राम CO2, तो 44 ग्राम CO2 ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों 44 ग्राम CO2 है तो 44 को पहले आप क्या करोगे, पहले भागा दे दीजिए मोलर मास से, है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, तो 44 को 44 से भागा दीजिए, फिर Na से गुना कर दीजिए, है ना, ये हो जाएगा। तो ये केवल आ रहा है Na, Na का मतलब 6 × 10^23, ठीक है। इसके बाद 48 ग्राम O2 है, O3 है, तो वैसे ही होगा, 48 को पहले आप 48 से भागा दे दीजिए तो पहले क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल निकल गया, नंबर ऑफ मोल होता है मास बाय मोलर मास, और फिर इसको गुना कर दीजिए Na से, तो ये भी कट गया, तो यहाँ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na आ गया, तो ये दोनों में तो बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अगला है 8 ग्राम H2, तो 8 ग्राम H2 8 को पहले मोलर मास से भागा दीजिए, 2 आएगा, मोलर मास से भागा 2 और गुना Na, तो बच्चों यहाँ से कटेगा 4 बार में, तो 4 Na आ रहा है, तो ये देखो ज्यादा आ गया इन दोनों से, तभी तो आंसर सी बन रहा है अपना। डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 64 ग्राम SO2, तो 64 ग्राम SO2 अगर हम बात करें तो ये भी मोलर मास ही दिया हुआ है SO2 का, तो 64/64 मोलर मास और गुना Na, ये तो कटेगा तो ये भी Na आ रहा है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ आ रहा है, 8 ग्राम H2 में 4 Na, जबकि हर जगह इन सब में Na आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये 8 ग्राम H2 अपना ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल पे फोकस करें, अगला सवाल क्या कहता है, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज, कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, मान लेते हैं वो गैस H3 है, ट्राई एटॉमिक गैस जिसमें नंबर ऑफ एटम की संख्या 3 है, जैसे ओजोन गैस O3 होता है फॉर्मूला, है ना। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल, नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 0.1, तो बच्चों 0.1 में अगर आप पहले गुना, ये देखो नंबर ऑफ मोल है, इसको आप गुना कर दो पहले Na से 6 × 10^23 से, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन गया, क्या बन गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन गया, और फिर इसको एटोमिसिटी से गुना कर दो, एटोमिसिटी मतलब कि एक एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल में एटम की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए। माइंड मैप एकदम याद रखो, माइंड मैप अगर ध्यान रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। माइंड मैप आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आप माइंड मैप नहीं याद किए हो तो पिछले लेक्चर जाइए, देखिए मैं आपको माइंड मैप बताया हूं कि कैसे मोल से कन्वर्ट किया जाता है मास, बड़ी इजीली मास से कैसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे मोल, या मोल से कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल से कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कैसे नंबर ऑफ एटम बना पाएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 0.1 ये नंबर ऑफ मोल था, गुना कर दिए Na से 6 × 10^23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन गया, एटोमिसिटी से गुना कर दिए नंबर ऑफ एटम बन गया। तो बच्चों यहां से अगर देखा जाए तो ये हम लिख सकते हैं 1/10 × 6 × 10^23 × 3, तो यहां से ये जीरो कटेगा तो ये हो जाएगा 10^22। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 6 × 18 × 10^22 आंसर आ रहा है अपना, कितना, 18 × 10^22।
18 गुना 10 का पावर 22, तो 1.8 के टर्म में ऑप्शन है। कोई बात नहीं, अगर आपका 1.8 है इसका मतलब 10 से भागा किया है, 10 से अगर हम इसको भागा दे देते हैं तो 10 से गुना भी करना होगा, तो 10 से गुना भी करना होगा, तो यह आ जाएगा 1.8 गुना 10 का पावर 23। 1.8 गुना 10 का पावर 23 कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन है ना, कौन सा? बी ऑप्शन दिख रहा है सब सब, ठीक है ना। चलिए ये बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए और सवाल क्या है, 10 ग्राम हाइड्रोजन, अगला सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल पे आइए, फोकस कीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन वेयर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विल बी, 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों को भर करके है ना हम एक्सप्लोड कर दिया, लगा दिया 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन, 10 ग्राम ये है बच्चों और 64 ग्राम ये है अपना, तो पहले रिएक्शन जब होगा तो H2O बना होगा इनके बीच का, पहले बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को आप, तो बैलेंस कर लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मोल्स कर देते हैं इसको, 2 × 4 तो यहाँ 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन तो 2 है ही, ठीक है बैलेंस हो गया, बैलेंस रिएक्शन कम होना चाहिए। इसका नंबर ऑफ मोल निकालो तो 10 बटा कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास होता है 2 और 64 इसका मोलर मास होता है 32, तो बच्चे इसका मोल आ रहा है 5 और इसका मोल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो पहले तो हम बात करें कि H2O बनेगा किसके अनुसार, इसके अनुसार, किसके अनुसार, तो पहले हम चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, मतलब कम मात्रा में कौन है, क्योंकि कम मात्रा के अनुसार ही प्रोडक्ट बनता है, कम मात्रा वाला खत्म हो जाएगा तो ज्यादा मात्रा वाला रह के भी क्या कर लेगा, है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल बटा स्टिक्योमेट्रिक ऑप्शन चेक करेंगे पहले, तो यह आ जाएगा 5 बटा स्टिक्योमेट्रिक ऑप्शन 2 है, ये 2 बटा स्टिक्योमेट्रिक ऑप्शन 1 है, तो यह आ रहा है बच्चों 2.5 और यह आ रहा है 2, तो देख रहे हैं साफ साफ कि ये अपना बन गया लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार ही काम होना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 लिमिटिंग रिएजेंट अपना बटा स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O बटा स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना है अपना देख लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 2 है, कितना है 2, स्टिक्योमेट्रिक ऑप्शन कितना है बच्चों 1 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकालना है, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, कितना 4 आ जा रहा है। तो पूछा हमसे क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है, तो 4 मोल, मोल में पूछा है तो 4 मोल तो आंसर आ ही गया, 4 मोल आंसर हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, क्लियर आपको ये बात। चलिए अगले सवाल पे फोकस करें, है ना, अगले सवाल पे फोकस करें। चलिए अगला सवाल है आपका 30, एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटॉपिक कंपोजिशन, देखो बच्चों जनरली कभी भी अगर आपको आइसोटॉपिक वाला सवाल आ जाए ना तो एवरेज मोलर मास निकालने के लिए बोल रहा है, तो एवरेज मोलर मास का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एवरेज मोलर मास है ना, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है कि आप सब सारे परसेंटेज को जोड़ दीजिए गुना उनका मोलर मास लिखिए और बटा 100 कर दीजिए, सारे परसेंटेज वाले को जो दिया हुआ है जोड़िए है ना, सिग्मा ऑफ परसेंटेज गुना मोलर मास, जैसे पहला जो एक्स दिया हुआ है, एक्स उसका मोलर मास देखो 200 दिया हुआ है एक्स है ना, और देखो ना कौन कौन है, मैं अगर आपको ध्यान से लेके दिखाऊं तो आपको जो लिया हुआ है वो कौन कौन लिया हुआ है, तो पहला आपको देखो लिया हुआ है, पहला आपका लिया हुआ है एक्स आपका आइसोटोप, यहाँ ऊपर में 200 लिखा मिलेगा आपको और यहाँ पे लिखा हुआ है 90% है ना, कितना 90%, फिर एक्स कौन वाला लिया है आपका 199 वाला लिया है और ये कितना प्रतिशत लिया है 8% लिया है, अब फिर एक्स कौन वाला लिया है आपका 202 वाला लिया है और ये कितना प्रतिशत लिया है 2% लिया है, अब इसका मोलर मास पूछा है हमसे है ना, इसका एटॉमिक मास पूछा है, मोलर मास पूछा है, जो भी है ना एटॉमिक मास भी निकाल सकते हो, ऐसी फॉर्मूला लगेगा, तो AMU में आपका आंसर दिया, कुछ नहीं करना है, देखो हम क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, तो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा, तो एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक मास पूछा है तो एटॉमिक मास निकाल देते हैं, उसमें क्या है मतलब एक एटम का मास निकलेगा मोलर मास में, एक मोल का मास निकलेगा, बस यही अंतर है, एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास में क्या हो जाएगा कि पहले वाले इस एक्स को पकड़ते हैं तो इसका मोलर मास है 2 और परसेंटेज है 90, तो लिखेंगे 90 × 200, चलिए प्लस इस वाले को पकड़ लो, इसका मोलर मास कितना है, इसका परसेंटेज है 8 और मोलर मास कितना है 199, तो 199, अब प्लस इस दो वाले को पकड़ लो तो ये 2% लिए हैं और 202 है, तो 2 × 202 और इन सबको गुना करने के बाद 100 से आप भागा दे दीजिए, बस आ जाएगा आंसर, है ना, बस यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आंसर आपको अपने आप दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व कर लीजिएगा ना पूरा, जब आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर दिखेगा है ना 200 AMU, कितना दिखेगा 200 AMU लगभग आपको ऑप्शन दिखेगा, आंसर दिखेगा कितना 200 AMU आपको आंसर दिख रहा होगा,
ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला ध्यान रखना है, बड़ी आसानी से बन जाते हैं ऐसे सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन 38.71%, है ना। कार्बन कितना दिया हुआ है 38.71%, और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है देख लो, तो हाइड्रोजन आपका दिया हुआ है 9.67%, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है बच्चों, ऑक्सीजन आपका दिया हुआ है, ऑक्सीजन नहीं पता है, है ना, ऑक्सीजन नहीं पता है, तो ऑक्सीजन पहले निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ोगे टोटल तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और 7 से 13 13, है ना, 9 8 17 17, और 1 18 3 और 1 4, ठीक है, टोटल 48 हो रहा है, कितना हो रहा है 48, है ना, टोटल दोनों मिलके कितने हो रहे हैं 48 हो रहे हैं, ठीक ना, 9.67 और 38.71, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दीजिए, तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत हो जाएगा वो 100 में से हम घटा देते हैं 48.3800 ले लेते हैं, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया 1, ठीक है, यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5, तो ये बच रहा 51.72। तो टोटल मान लेते हैं हम कितना, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है सबका, सवाल देख लीजिए आप, टोटल परसेंटेज, टोटल हम परसेंटेज मान लेते हैं कि 100 है, टोटल 100 है, टोटल 100 ग्राम है, टोटल कितना है 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में हम बोल सकते हैं कि कार्बन आपका हो जाएगा 38.71 ग्राम, हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा 9.67 ग्राम, और ऑक्सीजन जो आपका है बच्चों वो कितना हो जाएगा 51.72 ग्राम, ठीक है। मास है पता, अब नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा इसका 38.71 बटा 12, इसका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 9.67 बटा 1, और इसका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 51.72 बटा 16। तो बच्चों ये अगर आप काटोगे तो 12 का 36 3 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा, ये कुछ 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, ये 12 36 2 27 2 27, है ना, तो 12 दूनी 24 और 24 3 1 बचेगा, फिर से 12 दूनी 24 लगभग, है ना, ये आ जाएगा आपका फिर से वही 9.67 लगभग, है ना, ये 2 3 बन रहा है लगभग, ये 23 लगभग बोल सकते हैं, अच्छा, और ये वाला कितना बन रहा है 16 दूनी 32 16 3 48, तो 16 3 48, ठीक है, 48 और 3 51 हो गया आपका, 48 3 और 7 37 हो गया आपका, तो 16 दूनी 32 फिर से बन रहा है ये 32 5 2, है ना, फिर से ये 2 3 बन रहा है लगभग, ये 2 3 ये भी बनेगा लगभग, है ना, 2 3 ये भी बनेगा, तो देखोगे अगर आप तो तीनों में क्या है, तीनों में ध्यान से देखो नंबर ऑफ मोल हमको मिल गया, कार्बन कितना है, कार्बन आपका नंबर ऑफ मोल देखो लिख रहे हैं 3.23 है, हाइड्रोजन कितना है बच्चों 9.67 है, और ऑक्सीजन कितना टो है 3.23 टो है, फ्रैक्शन में तो रहता नहीं है फॉर्मूला, है ना, एकदम फ्रैक्शन हटा देना होता है, तो तीनों में देखो कॉमन है 3.23, तो सबसे भागा दे देते हैं 3.23, इसको ही भागा दे देते हैं 3.23 से, यहाँ हाइड्रोजन 9.67 इसको ही भागा दे देते हैं 3.23 से, और ऑक्सीजन 3.23 इसको ही भागा दे देते हैं 3.23 से, ये तो कटेगा पूरा, ये 3 बार होगा, तो लगभग C1H3 और O आ रहा है, C H3O ऑप्शन दिख रहा है अपना, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का ऐसा तरीका होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, टोटल 100 ग्राम मान करके सबका नंबर ऑफ मोल लिख लीजिए, फिर फॉर्मूले में सबका मान लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल वाला, और उसके बाद कॉमन ले लेकर के आप मतलब कॉमन मल्टीप्लायर से LCM से उसको काट करके एकदम एक एग्जैक्ट वैल्यू ले आइए, फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला के ऐसे सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए और सवाल क्या है इसमें, अगर अगला सवाल देखें हम तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कौन टेम्परेचर पर निर्भर करता है, वो टेम्परेचर पर वो निर्भर करता है, वो सांद्रता, वो कंसंट्रेशन जिसके फॉर्मूले में नीचे वॉल्यूम आता हो। तो फॉर्मूला अगर हम मोलैलिटी का देखें, मोलैलिटी बिल्कुल मोलैलिटी के फॉर्मूले में नीचे आता है नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम, तो मोलैलिटी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन होता है मोल बाई टोटल मोल, तो नीचे तो वॉल्यूम नहीं आया, वेट परसेंटेज बिल्कुल नहीं, परसेंटेज वेट बाई वेट होता है, ऊपर में वेट नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना 100, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया,
और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है मोलैलिटी। मोलैलिटी में नहीं होता, नंबर ऑफ मोल बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी में। तो केवल मोलैरिटी है जो डिपेंड करता है कौन कौन, टेम्परेचर पे। कौन कौन? मोलैरिटी करता है, नॉर्मलिटी करता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम करेगा और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करेगा। ये चार लोग हैं जो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, ध्यान दो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ एवोगाड्रो नंबर Na इज चेंज्ड फ्रॉम 6.022 गुना 10 का पावर 23 से 6.022 गुना 10 का पावर 20, दिस वुड चेंज। बच्चों जनरली अगर आप ध्यान दोगे तो जितने भी एटम है हमारे उन सबका मास हम कार्बन के मास से कंपेयर करके निकाले हैं। जनरली हम कंपेयर किससे करते हैं, तो कंपेयर देखो इससे करते हैं, है ना। 1 mu का जो मान होता है जनरली, 1 mu का जो मान होता है अपना, 1 mu का मान होता है 1/12, है ना, मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम ये होता है। और जनरली इसका मान ही आता है बच्चों कितना, ये आता है आपका 6.6 गुना, है ना, 10^-24 ग्राम। और यही वैल्यू आपको बाद में, है ना, 1.6, और यही वैल्यू आपको बाद में 1/NA मिलता है। 1/NA का मतलब 1.6022 गुना 10 का पावर 23। तो यही आपको मिलता है बाद में इतना इतना ग्राम, और इसको हम लोग बाद में बोलते हैं 1/NA ग्राम। तो बोल रहे हैं कि अगर आप NA का मान बदल दीजिएगा, अगर आप NA का मान बदल दीजिएगा तो NA का मान 6×10^23 से लेकर के कुछ और ले लीजिएगा, है ना, इसी का मान, इसको छोड़ो ना, तो इसी का मान होता है 1/6.022×10^23। तो अगर आप ये मान ही बदल दीजिएगा तो मास ऑफ कार्बन एटम तो बदल जाएगा ना, अपना आपका मास ऑफ कार्बन एटम ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन बदल जाएगा, बिल्कुल मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन बिल्कुल बदल जाएगा, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 45 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये कुछ अच्छे सवाल थे, बेहतरीन सवाल थे, आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा और मोल कॉन्सेप्ट की बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, है ना। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।